तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ एचआरएम। तो पहला फीचर है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ये फीचर्स एचआरएम के बारे में है। तो एचआर को डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि विकास उन्मुख। हमें आप अपने आप को एचआर की तरह सोचें अगर, तो फिर आप ये देखते हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपका ये कर्तव्य होगा कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने का मतलब है कि आप एम्प्लॉयज़ को कैसे डेवलप करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, क्योंकि आप एचआर हैं, ये आपका काम है। कोई भी एम्प्लॉय को अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत है, काम करने में दिक्कत है, या उसकी फैमिली दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो आपको पर्सनल कुछ लेना देना नहीं है। अगर, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कि अगर किसी एम्प्लॉय को पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है तो वो अपना फुल आउटपुट नहीं दे पाएगा। पूरा आउटपुट जब नहीं देगा तो कंपनी का काम सफ़र करेगा। इसलिए हर तरीके से डेवलपमेंट करना ये एचआर का काम होता है, तो उसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट वन आता है इंडिविजुअली ओरिएंटेड। एचआर का काम होता है कि वो हर एक बंदे पर बराबर ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि कैजुअल वो ले ले कि नहीं चलो ठीक है, ये हो गया तो ठीक है, ये नहीं हुआ तो नहीं ठीक है। पर्टिकुलर एक एक बंदे को उसको देखना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए, तभी वो एक अच्छा एचआर बन पाएगा। आपके पास अगर सामने से कोई आकर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो ये आपकी खूबी है कि वो आपको प्रॉब्लम बता रहा है, क्योंकि हर किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता। एचआर का एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ आ करके, एम्प्लॉयज़ का कोई भी स्टाफ का मेंबर भी हो, वो आ करके आपको अपनी प्रॉब्लम बताए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप इसे दूर करिए। तो हर एक बंदे पर उसका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट वन आता है पीपल ओरिएंटेड। जैसा कि नाम से है, पीपल ओरिएंटेड यानी कि पीपल, समूहों में, समूह को उन्मुख करना। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल आपने फोकस करा, ग्रुप पे फोकस नहीं कर रहे। इंडिविजुअली ओरिएंटेड होने के साथ साथ उसको पीपल ओरिएंटेड भी होना चाहिए, ग्रुप को भी उसको मोटिवेट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंटर डिसिप्लिनरी फंक्शन। एचआर जो होता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी पर काम करता है, यानी कि वो अपनी नॉलेज, अपनी इनपुट्स, जो भी अपनी क्वालिटी होती है वो कहीं से भी लाए, वो चाहे साइकोलॉजी लगाए या अपने सोशल में देखे या इकोनॉमिक्स के थ्रू, अपने अपनी सूझबूझ से ऐसा काम करे कि जो उसके जो काम करने वाले लोग हैं उनमें जो मिथ हैं, जो मिस्ट्री हैं अपने सराउंडिंग्स पे, अपने दिमाग में जो वो एक बना लेते हैं कि नहीं वो ऐसा आदमी है, या वो ठीक काम नहीं करता, या वो गलत जवाब देता है, तो इसको दूर करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगर किसी के दिमाग में ये बैठ गया, नहीं मेरा बॉस तो ऐसा है, वो ठीक काम नहीं करता, ठीक जवाब नहीं देता, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, ये चीज़ बहुत गलत होती है, फिर काम नहीं हो पाएगा आपका। एचआर का क्या काम होता है, एक स्मूथ वर्किंग वो चलाए, एक ब्रिज की तरह काम करे। तो ये होता है मल्टी डिसिप्लिनरी फंक्शन उसका। नेक्स्ट वन आता है परवेसिव फोर्स, यानी कि ये लगातार फैलता चला जाता है, परवेसिव इन नेचर होता है, और ये सारी एंटरप्राइजेस, सारी ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। इसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म मतलब एकीकृत प्रणाली, यानी कि सारा ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एम्प्लॉय, स्टाफ, लेबर, वर्कर, जो भी हैं, वो एक ही मैकेनिज्म पर काम करें। ऐसा कोऑर्डिनेशन उनमें बिठाए वो, कि वो सब एक ही, कहते नहीं है कि पैर पे पैर लगा करके चलना, पैरों के निशान पर होते हुए चलना, तो मतलब एक ही प्रणाली पर वो काम करे, तो ऐसे आपका काम भी इजी हो जाएगा, कोई डेविएशन भी नहीं होगा और आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूस फंक्शन। एचआर एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोई सिचुएशन डील कर ली तो वो वहीं से ख़त्म, उसके बाद वो सिचुएशन आएगी नहीं। हो सकता है वही सिचुएशन आए, हो सकता है उससे इजी सिचुएशन आए, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा टफ सिचुएशन आए, तो उससे डील करना होता है। आपको अपनी सूझबूझ लगानी पड़ेगी, अपनी नॉलेज लगानी पड़ेगी कि आप उस सिचुएशन से कैसे पार पाते हैं। सपोज कुछ एम्प्लॉयज़ हैं
जो आपने प्रमोशन करा, प्रमोशन हुआ तो कुछ का अच्छा कर दिया, कुछ का किसी वजह से नहीं अच्छा हुआ, तो दो पार्टियां हो गई, दो ग्रुप मान लो आप, तो दोनों में डिस्प्यूट हो गया, तो आप उसको कैसे डील करोगे? आप, ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप उनको समझाए नहीं उन्होंने ये काम अच्छा करा था या उन्होंने ये टास्क बड़े अच्छे से और जल्दी पूरा करा था, आपके टास्क में ये प्रॉब्लम आ गई थी, आप ऐसे बता सकते हो उनको कन्वेंस करना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे कितने अच्छे तरीके से कन्वेंस कर लेते हैं। चलो एक बार आपने ऐसे शॉर्ट आउट कर दिया, नेक्स्ट टाइम हो सकता है यही सिचुएशन वर्कर्स के साथ आ जाए कि नहीं, उसको आपने गुड वर्कर बना दिया, हमें नहीं बनाया, तो उसको इतना बोनस दे दिया, हमें इतना दिया, तो ऐसा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आपने ये सिचुएशन भी हैंडल कर ली, तो हो सकता है आज कल आपके पास वो सिचुएशन आई थी, आज वर्कर्स की आई है, कल किसी और की आए, परसों किसी और की आए, तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप अपनी सूझबूझ से उस सिचुएशन से कैसे उबरते हैं और दूसरों को उबारते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना रह जाए। नेक्स्ट वन आता है एक्शन ओरिएंटेड। अब इसका क्या मतलब है? एक्शन ओरिएंटेड मतलब आपको एक्शन लेना है रादर देन रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब फाइलिंग नहीं करनी। अब सपोज आपके पास, अभी जैसे हमने एग्जांपल दिया, आप इसी को ले लो कि सैलरी को लेकर के डिस्प्यूट हो गया है, तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे? अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आप कह देंगे ठीक है, आप हमें लिख कर दे दीजिए, हम उसमें देखेंगे कि क्या करना है, मैनेजमेंट से बात करेंगे, अपने सीनियर्स से बात करेंगे, तब हम आपको बताएंगे। तो उस सामने वाला जो कंप्लेंट लेकर आया वो भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, अरे चलो ये एचआर तो ऐसे ही, ऐसे कहने का कोई फायदा नहीं है, हमें अपने एंड पे कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड मतलब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, आप तुरंत उसको रिप्लाई करें, कुछ मतलब कुछ ऐसा करें कि सामने वाले को लगे कि नहीं, ये तो मेरे काम में इंटरेस्ट ले रहा है, हमें इनसे अगर कुछ बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताते तो वो सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से होना चाहिए। राइटिंग में जाना, राइटिंग का चलो वो तो एक है, वो करना पड़ेगा, लेकिन एक्शन होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि नहीं आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये होता है एक्शन ओरिएंटेड। तो ये एचआरएम के कुछ फीचर्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट है, मेन है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड, इंडिविजुअली ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड, इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शंस, परवेसिव फोर्स, इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म, कंटिन्यूअस फंक्शन एंड एक्शन ओरिएंटेड। आई होप आप सबकी समझ में आ गया हो।